सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बिहार के बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पूर्वी भारत के बिहार राज्य में और पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी शहर में स्थित पूर्वी चंपारण जिला के व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह स्टेशन मोतिहारी शहर का और आसपास के इलाके का एक बहुत ही खास रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे नेटवर्क के माध्यम से भारत के ज़्यादातर शहरों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का कोड है BMKI। बापूधाम रेलवे स्टेशन एक कैटेगरी रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस रूट से चलने वाली ज़्यादातर रेलगाड़ियों का इस स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन बिहार का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कई वर्षों से पूर्वी चंपारण जिला वासियों के लिए और आसपास के यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही है। यह स्टेशन समस्तीपुर डिवीजन का एक बहुत ही खास रेलवे स्टेशन है, जो मुजफ्फरपुर गोरखपुर लाइन पर और मुजफ्फरपुर रक्सौल लाइन पर स्थित होने की वजह से यह स्टेशन काफ़ी व्यस्त है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का गठन उस समय किया गया था जिस समय मुजफ्फरपुर को गोरखपुर से जोड़ा जा रहा था। ठीक उसी दौरान बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का भी गठन किया गया था। आपको बता दें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुजफ्फरपुर से गोरखपुर भया नरकटियागंज रेल लाइन को साल 1930 में खोला था, जिसकी दूरी लगभग 309 किलोमीटर है। इस 309 किलोमीटर के बीच की दूरी में कुल मिलाकर 53 रेलवे स्टेशन आते हैं। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के द्वारा खोला गया था, जिसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि महात्मा गांधी इस स्टेशन पर पहली बार 15 अप्रैल साल 1917 को आए थे और अपना कदम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर रखा था। इसी वजह से इस स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन रखा गया है। जिस समय गांधी जी यहाँ आए थे, उस समय यह रेलवे स्टेशन काफ़ी छोटा हुआ करता था, मानो एक कमरे के बराबर, और उसी एक कमरे में टिकट काउंटर, पूछताछ, स्टेशन मास्टर रूम और सिग्नल का काम किया जाता था। लेकिन साल 2019 के नज़रिए से देखा जाए तो यह रेलवे स्टेशन अपने आप में काफ़ी बदल गया है, क्योंकि बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को बिल्कुल मॉडल तरीके से पुनर्निर्माण किया जा चुका है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन आज एकदम से नए लुक में काफ़ी सुंदर नज़र आता है। इस स्टेशन में दो प्रवेश द्वार शामिल है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 दोनों ओर से यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार शामिल है। इस स्टेशन के ठीक बगल में महात्मा गांधी जी की मूर्ति स्थित है, जो अपने आप में गौरवशाली है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के इस सेंट्रल रेलवे जोन के समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। साल 1969 में बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को समस्तीपुर रेलवे डिवीजन का हिस्सा बनाया गया था। इस स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से 72 मीटर तकरीबन 183 फुट के करीब है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन में टोटल 2 प्लेटफॉर्म और 4 पटरियाँ शामिल है। इस स्टेशन से रोजाना तकरीबन 20,000 से ज़्यादा यात्री सफर करते हैं और लगभग 48 रेलगाड़ियों से ज़्यादा इस स्टेशन के माध्यम से गुजरती है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग, यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, रिजर्वेशन काउंटर, फूड स्टॉल और पुस्तक की स्टॉल जैसी सुविधाएं इस स्टेशन पर उपलब्ध है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर गोरखपुर लाइन पर और मुजफ्फरपुर रक्सौल लाइन पर स्थित है। दोस्तों, बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।